नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय वर्ल्ड बाय योगिता में। हस्तिनापुर एक ऐसा स्थान है जिसका गौरव ना केवल पांडव कालीन होने पर है, अपितु ये जैन धर्म को मानने वालों के लिए भी अत्यंत पूजनीय स्थान रहा है। यहाँ पर जैन धर्म के 16वें तीर्थकर भगवान शांतिनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वासेन और माता का नाम रानी अचीरा था। इनका जन्म भी इक्ष्वाकु वंश में ही हुआ था। कहा तो ये जाता है कि जैन धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर द्रौपदी सहित पांचों पांडवों ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित बहुत ही सुंदर विशालकाय मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये है बड़ा दिगंबर जैन मंदिर। यह हस्तिनापुर का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। हमारे बड़े अहोभाग्य जो हमें इन मंदिरों को देखने का सौभाग्य मिला। मंदिर में तीर्थकरों की विशाल काय मन को मोहने वाली मूर्तियां हैं। मंदिर में की गई नक्काशी और यहाँ की वास्तुकला अत्यंत रमणीय है। मंदिर में कुछ ऐसी संरचनाएं भी बनी हुई हैं जो देखने में तो बहुत ही सुंदर हैं, परंतु हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। यदि कोई मेरा जैन भाई इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया इनके बारे में कमेंट करके हमारा ज्ञानवर्धन करें। मंदिर में की गई चित्रकला में अनेक सुंदर प्रसंगों को दर्शाया गया है।
यहाँ पर श्री कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर भी है। ये मंदिर भी बहुत विशाल है। यहाँ पर सुंदर बाग बगीचे एवं बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले आदि भी लगे हैं। इसकी झाज जैसी संरचना के कारण स्थानीय लोग इसे झाज मंदिर भी बुलाते हैं। कुछ मंदिर बंद थे इसलिए हम अंदर नहीं जा सके दोस्तों। हमें यहाँ आकर बहुत ही शांति और श्रद्धा का अनुभव हो रहा है। समय समय पर यहाँ पर पूरे वर्ष जैन धर्म से संबंधित प्रवचन और अन्य प्रोग्राम चलते रहते हैं। वर्तमान में यहाँ पर प्रमुख जैन संत शिरोमणि ज्ञानमती माता जी विद्यमान हैं, जिन्होंने अपने संरक्षण में प्रमुख तीर्थ स्थल जम्मू द्वीप का निर्माण कराया है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए जम्मू द्वीप की सैर हम आगे आपको अपने आने वाले वीडियो में कराएंगे। तो इस वीडियो का हम यही समापन करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।